हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुदरत की बदमाश कंपनी, ये हम क्यों कह रहे हैं? हिंदुस्तान हो या अमेरिका, चीन हो या रूस, हर तरफ बर्फ, बारिश और तूफान का तांडव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इन सब को मिलाकर बदमाश कंपनी खोल दी है। पहले आपको दिखाते हैं इस बदमाश कंपनी में शामिल तूफान निवार की कहानी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक बार फिर देखिए यहां क्या हुआ। निवार तूफान की तबाही कैसे मौत बनकर गिरी, ये चेन्नई में कैमरे में कैद हुआ है। जिस शख्स पर ये पेड़ गिरा उसकी उम्र करीब 50 साल थी। अपनी चाय की दुकान बंद कर ये घर लौट रहे थे, तभी ये बड़ा सा पेड़ निवार तूफान की हवा में गिर गया और इनकी जान ले ली। तमिलनाडु में आधी रात को जब निवार तूफान टकराया तो बड़े बड़े पेड़ इसी तरह से जड़ से उखड़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 500 पेड़ सड़कों पर इधर उधर गिरे हुए सुबह मिले, जिन्हें इसी तरह काट काट कर सड़कों से हटाया जा रहा है। निवार तूफान की वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तमिलनाडु के कुडालोर में 25 सेंटीमीटर तक बारिश हुई तो पुदुचेरी का भी यही हाल रहा। नतीजा ये कि यहाँ की सड़कों पर पानी भर गया, रेलवे ट्रैक भी डूब गए। बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान आधी रात को तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों से टकराया था। अच्छी बात ये रही कि खाड़ी और समंदर से निकला ये तूफान जमीन पर आया और इसकी रफ्तार कम पड़ गई। साइक्लोन निवार वेरी सीवियर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन में तब्दील भले ही हो गया था, यानी सीधे तौर पर ये साइक्लोन जो है वो वीक हो गया था, लेकिन इसका असर तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में और साथ ही पुदुचेरी में कुछ हद तक जरूर देखने को मिला है। हालांकि जो मैक्सिमम डैमेज बताया जा रहा था वो मिनिमल डैमेज में तब्दील हो गया जैसे ही तूफान जो है वो वीक हो गया। निवार तूफान का खौफ अभी कम हो चुका है, लेकिन तूफान के जो निशान है उनसे जिंदगी निपट रही है। चेन्नई के कई रिहायशी इलाकों में बारिश से पानी भर गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान से पहले ही करीब 1,00,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। 1,00,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है तमिलनाडु में, और पौंडीचेरी राज्य में 1,000 से 2,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और अभी इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। साफ है कि निवार तूफान से निपटने की इसी तैयारी ने कई लोगों की जान बचाई है। दक्षिण भारत में तूफानी दंगल के बाद अब बात अमेरिका में तूफान के तांडव की। अमेरिका के टेक्सास में भी कुदरत की बदमाश कंपनी में शामिल तूफान ने काफी तबाही मचाई। अमेरिका के आसमान में संकट के ये काले बादल देखिए, बिजली कड़क रही है, बादल इतने तूफानी हैं कि देखकर ही डर लग जाए। थोड़ी ही देर बाद अमेरिका के इस इलाके में तूफानी बवंडर का सायरन बजने लगता है। कुदरत के अटैक की ये हैरान करने वाली तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की हैं, और ये सायरन टेक्सास के डल्लास शहर में रात को ऐसे ही गूंजा। इसके बाद इन तूफानी बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। आसमान में इकट्ठा हुए ये तूफानी बादल अपने साथ इतनी बारिश लाए जैसे आसमान फटने लगा और समंदर धरती पर बरसने लगा। रात भर ऐसे ही तूफानी अटैक चलता रहा। टेक्सास के ज्यादातर शहरों में सैकड़ों घर टूट गए।
इन तस्वीरों को देखिए, कैसे घरों के मलबे में महंगी महंगी कारें फंसी हुई हैं। हर तरफ बर्बादी का ही मंजर बन गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हो या फिर सड़क पर फंसी कारें, सब बर्बाद होती दिख रही हैं। अमेरिका के टेक्सास शहर में तूफान से तबाही की तस्वीरें रात को ही आने लगी थी और सुबह जब प्लेन से तबाही का मंजर देखा गया तो ये बर्बादी दिखी। सैकड़ों घरों की छत ही गायब हो गई थी। टेक्सास के डल्लास और अर्लिंगटन जैसे शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि तूफान की वजह से इन हादसों में अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। तूफान के बाद अब आपको दिखाते हैं कैसे बर्फबारी भी अपनी दादागिरी दिखा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ का सितम देखिए। देश में कुदरत की बदमाश कंपनी में शामिल बर्फबारी भी है। पहाड़ों पर ये बर्फीली हवा देखिए, इतनी ठंडी है कि खून को जमा दे। ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से। यहाँ पिछले कई दिनों से बर्फबारी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। पहाड़ तो पहाड़, घरों की छतों पर भी कई फीट मोटी बर्फ जमा हो गई है, पेड़ जम गए हैं। ऐसे में इंसानों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। यहाँ डोडा में बर्फबारी के साथ बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, जिसने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है। डोडा के बाद अब जरा कश्मीर के गुलमर्ग चलिए। यहाँ भी ऐसी भारी बर्फ गिरी। इसके बाद तो सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर दिखने लगी। यहाँ पहुँचे सैलानियों की गाड़ियाँ बर्फ में थम गई। हालांकि इनकी मस्ती तो बर्फ में भी जारी रही। यहाँ आपको हम सलाह दे दें कि बर्फ में जितनी चाहे मस्ती करें, लेकिन करें सावधानी से। यकीन नहीं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि बर्फ रास्तों को बंद कर आपको पहाड़ों पर कई दिनों तक फंसा सकती है। यकीन नहीं आया तो जरा ये तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ हटाने की ये तस्वीरें आई है। यहाँ रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। तंगधार और जोजिला में मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है। ये रास्ते फिर से चालू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ते हैं और सेना के काफिलों की गतिविधि के लिए ये काफी अहम रूट है। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर भारत का राज्य हिमाचल भी बर्फ में ढक गया है। देखिए कल कैसे यहाँ कुल्लू में बर्फबारी हुई। ये तस्वीरें देखने में जितनी शानदार लगती हैं, यही बर्फ मौसम को उतना खतरनाक भी बना देती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। सड़क सफेद हो गई है, सड़क किनारे घरों की छत भी ढक गई है, पेड़ों पर हरे रंग का नामो निशान तक नहीं बचा। ये तस्वीरें हिमाचल के शिमला और नारकंडा से आई हैं। यहाँ रात को इतनी बर्फ गिरी कि नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही ठप हो गई। यहाँ करीब 5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ के अटैक को देखकर एहतियातन प्रशासन ने नारकंडा में पहाड़ी इलाकों पर गाड़ियां ना ले जाने की फिलहाल अपील की है। शिमला के पास ही कुफरी में बर्फ पर कब्जा हो गया है। ये माइलस्टोन यही दिखा रहा है। पिछले 2 दिन से यहाँ आसमान से बर्फ गिरी, जिससे ठंड काफी बढ़ गई। यहाँ से शिमला जाने वाले कई पहाड़ी रास्तों पर बर्फ गिरी तो बर्फ से भारी हुई चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गई,
नतीजा ये कि रास्ते बंद हो गए। हालांकि जो सैलानी यहाँ मस्ती करने आए थे उनकी मस्ती तो जारी है, लेकिन सलाह फिर वही, बर्फ में मस्ती करने निकले हैं तो पूरे इंतजाम के साथ ही जाइए, क्योंकि ये बर्फ है ना जाने कहाँ बदमाशी कर दे।